आपके बालों की शान, आपके बालों की जान। 100% नेचुरल केटीसी हर्बल हीना पाउडर। केटीसी हर्बल हीना पाउडर। जुब्बल कोटखाई से भाजपा ने नीलम सरेख पर दांव खेला है। नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद उनके बेटे चेतन बरागटा को टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने महिला प्रत्याशी पर विश्वास जताया है। उपचुनाव के लिए टिकट हासिल करने के बाद नीलम सरेख ने पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वह पिछले 20 सालों से सक्रिय राजनीति में है, वह क्षेत्र से जिला परिषद भी रही हैं। अगर जुब्बल कोटखाई के लोग उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं तो वह क्षेत्र के मुद्दों को सरकार तक पहुँचाएगी। नीलम ने कहा कि जुब्बल कोटखाई सेब बहुल क्षेत्र है, सेब बागवानों को जो समस्याएं आ रही हैं वह सरकार की मदद से उनका निदान करेगी। मैं सबसे पहले इस अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे देश के जो माननीय हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री हिमाचल से अनुराग ठाकुर जी का, और प्रदेश नेतृत्व का हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, माननीय अध्यक्ष हमारे सुरेश कश्यप जी, संगठन मंत्री पवन राणा जी का, और हमारे जो चुनाव दृष्टि से जो जुब्बल और कोटखाई के प्रभारी और सह प्रभारी आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी और आदरणीय सुखराम चौधरी जी का, और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रश्मिधर सूद जी का, और सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन सभी लोगों की उससे मुझे एक जो इसमें मौका मिला है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँ और इस सीट को सरकार की झोली में डाल सकूँ। इश्यूज क्या रहने वाले हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे इशू होते हैं, जो भी वहाँ के जो भी करंट इश्यूज होते हैं, मेरा यही वो रहेगा कि मैं वहाँ से जिला परिषद मेंबर भी रही हूँ, जो भी हमारी समस्याएं होगी उनके समाधान के लिए जो अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं उनका निदान करने की पूरी कोशिश करूँगी, सरकार के समक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्याएं होंगी उनको उठाती रहूँगी। मैम, आज से बहुल्य इलाका रहता है जुब्बल कोटखाई, और हाल ही में सेब सीजन में बहुत ज़्यादा समस्याएं उठाई है बागवानों ने, किस तरीके से आप देखती हैं और क्या आश्वासन अब आप देना चाहेंगे इस इलाके को? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो पूरा जिला शिमला जो है सेब बहुल क्षेत्र है, तो इस बार बहुत सारी चीज़ें रही है कि जो हमारे वहाँ से बागवानी मंत्री रहे थे, हमारे जो जुब्बल नाउर कोटखाई क्षेत्र के भाजपा के जो हमारे सशक्त और वरिष्ठ नेता थे स्वर्गीय आदरणीय निंदा बराटा जी, तो जब बागवानी मंत्री रहते हुए उन्होंने सेब बहुल क्षेत्र के लिए बहुत सारे कार्य किए थे और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए और इसके रख रखाव के लिए बहुत सारी उन्होंने योजनाएँ बनाई थी। मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि मैं उनके कदमों पर चलती रहूँ, उनके जो प्रयास थे उनको आगे बढ़ाऊँ, और जो इस इंडस्ट्री के लिए हमारी रोजी रोटी को बचाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसके रख रखाव के लिए जो कुछ भी होगा, और मेरा ये पहला यही मेरी वो मुद्दा रहेगा कि मैं सरकार के समक्ष उसको उठाऊं ताकि हम अपने इस इंडस्ट्री को सुरक्षित रख सकें और अपनी रोजी रोटी को बचा सकें। पहली बार आपको विधानसभा लेवल में जो है टिकट मिला है, आप इलेक्शन लड़ने जा रही है, कितना चुनौतीपूर्ण मार्ग है आपके ऑपोजिशन में? देखिए, कांग्रेस के भी एक पूर्व विधायक रह चुके, एक सशक्त नेता है, किन तरीकों से क्या रणनीति आप अपनाने वाले हैं? देखिए, जो मेरे समकक्ष जो कांग्रेस के बहुत ही मतलब सशक्त उम्मीदवार है, हम चुनौती तो चुनाव होता ही है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जुब्बल नाउर कोटखाई की जनता इस महिला को जरूर मतलब मौका देगी अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए। मैं पिछले 20 सालों से राजनीति में हूँ, तो मैं राजनीति को हमेशा जन सेवा के रूप में मैंने राजनीति की है, तो आगे भी मेरा यही ध्येय रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मुझे इसमें जरूर इस परीक्षा में पास करेगी। धन्यवाद।